इंडिया के बाजू में बहुत जल्द एक नया देश खड़ा होने वाला है। जी हाँ, अमेरिका बहुत ही जल्द बांग्लादेश को तोड़कर इंडिया के बाजू में एक नया क्रिश्चियन देश खड़ा करने वाला है, और यह मैं नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी कह रही हैं। 24 में 2024 को एक स्पीच में उन्होंने सीधा यूएस पर यह आरोप लगाया कि जल्दी यूएस बांग्लादेश के पास एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। उन्होंने यह तक बताया कि इसके लिए बाकायदा उनको ऑफर तक दिया गया था। बागदार कहती है वह बांग्लादेश के पास लोकेटेड यह आइलैंड सेंट मार्टिन्स यूएस को देती है, तो अमेरिका उन्हें बिना किसी मेहनत के 7 जनवरी 2024 में हुए बांग्लादेश नेशनल इलेक्शंस में बड़े ही आसानी से जिता देगा। लेकिन यू नो भाट, यह बात जितनी कंसर्निंग बांग्लादेश के लिए है उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान इंडिया को हो सकता है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इस नए देश के लिए यूएस इंडिया के भी कुछ हिस्सों को तोड़ देगा, स्पेसिफिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ हिस्सों को। और यूएस ऐसा कर सकता है या नहीं, इस बात पर रत्ती भर का भी डाउट मत रखना, क्योंकि यूएस ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। अपने पर्सनल फायदे के लिए दूसरे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उसे दो हिस्सों में तोड़ देना, ये एक्चुअली में यूएस की एक तरह से खूबी रही है। यूएसए कैसे घुसता है उन रीजंस में जिस रीजन में उसका फायदा है, और फिर वहां पे जाके वहां का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ही चेंज कर देता है। पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, अपने फायदे में सिचुएशन को क्रिएट करता है, और कई केसेस में तो इंटरेस्टिंग उन देशों को पता तक नहीं होता। एंड में जाकर उन्हें पता चलता है कि अमेरिका उनके साथ गेम खेल गया। अब आगे भी मैं आपको डिटेल में एविडेंसेस के साथ इस बात को प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल द मेजर क्वेश्चन है कि यूएस बांग्लादेश को दो टुकड़ों में है कि यूएस बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है और एक नई पपेट गवर्नमेंट लाना चाहता है, और शेख हसीना के एलिगेशंस कुछ हद तक सही भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा पिछले 5 सालों में यूएस ने एक भी बार बांग्लादेश को डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया। इवन पिछले 2 इलेक्शंस को तो यूएस ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मानता तक नहीं है। साल 2013 में यूएस ने बांग्लादेश को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंडर मिलने वाले ट्रेड बेनिफिट्स को भी खत्म कर दिया था, और अब तो वो बांग्लादेश पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाते आ रहे हैं। सो क्लियर, यहाँ पर इन सभी हलचल से यह तो पता चलता है है, बट यू नो, हमेशा से ही यूएस के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस ऐसे नहीं थे। अगर आप इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को डीप एनालाइज करोगे ना, तो यूएस यहां पर अपने कैरेट स्टिक टैक्टिक के अकॉर्डिंग पहले बांग्लादेश को कैरेट ऑफर कर रहा था। जैसे एक समय पर तो यूएस बांग्लादेश को अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बताता था। इनफैक्ट यूएस इकलौता वो कंट्री था जहां से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती थी, और कुछ साल पहले दोनों ने अपने बायलैटरल रिलेशंस की गोल्डन जुबली तक सेलिब्रेट की थी। सो अचानक से यह दोस्ती, पहले ना यूएस के इस रीजन में जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसे आपको समझना होगा, बिकॉज यूएस का एक पैटर्न रहा है, वो हमेशा रीजंस में अपने पर्सनल इंटरेस्ट के वजह से घुसता है और फिर उसको नैरेटिव चलाकर कुछ भी दिखा दिया जाता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने आए हैं या फिर हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने आए हैं। सो इस बार यूएस का इस रीजन में पर्सनल इंटरेस्ट है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये वही जगह है जिसके बदले में यूएस ने शेख हसीना को इलेक्शन जिताने का वादा तक किया था, बट जैसे ही हसीना ने यूएस के ऑफर को ठुकरा दिया, उसके बाद से वो बांग्लादेश को धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। धमकी कुछ इस तरह होती कि अगर वो खुद से ही उन्हें वो आइलैंड नहीं देती है तो यूएस उसी आइलैंड पर एक नया देश बना देगा। अब एक्चुअली में ना इस पूरे इशू, अगर ये आइलैंड यूएस को मिल जाता है तो इससे यूएस के 3 मेजर फायदे होने वाले। हैं बेनिफिट नंबर 1, 2 काउंटर कॉक्स।
बाजार। देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यूएस चाइना को अपना आज के तारीख में मेन राइवल मानता है। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड कॉक्स बाजार पोर्ट के एकदम क्लोज है, जिस पर चाइना का पूरा कंट्रोल है। रीजन इज क्योंकि कॉक्स बाजार को पूरा चाइना ने ही डेवलप किया था। अब अगर यूएस यहां पर आ जाता है तो इस रीजन में उसको अपर हैंड मिल जाएगा और वह चाइना पर बड़े आसानी से नजर रख सकता है। मलाका। अब मलाका स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस आई। डोंट इवन थिंक मुझे आपको समझाने की भी जरूरत है। बेसिकली यहां से दुनिया का 60% ट्रेड पास होता है और अमेरिका के सबसे बड़े राइवल चाइना का भी 75% ऑनल ट्रेड यहीं से पास होता है। इवन चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये रूट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर यह पॉइंट ब्लॉक हुआ तो चाइना के सारे इंडस्ट्रीज चौकअप हो जाएंगे और एकदम से। प्रेजेंस डिस्पेरियोनिया। सो इस मूव से यूएस अपना कंट्रोल सिर्फ ओशनस में ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि इस मूव से वो अपनी हेजी मनी को भी वापस गेन करना चाहता है। अब अगर आप इन तीन कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार को देखोगे ना, तो इनमें एक चीज कॉमन है। सेंट मार्टिन्स आयरलैंड के आसपास के इन तीन कंट्रीज में पिछले कुछ सालों में बहुत अशांति मची हुई है, जैसे म्यांमार में कू हुआ पिछले एक साल। टमोर लेस्टे का एग्जाम्पल ले लो। अपने मतलब के हिसाब से दो देशों को उसने जोड़ा और फिर मतलब खत्म होने के बाद तुरंत उन्हें तोड़ भी दिया। आज से 50 साल पहले 1975 में यूएस ने टमोर लेस्टे के साथ यही तो किया था। यूएस को पता चल चुका था कि टमोर लेस्टे में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, जबकि यूएस ऑफ कोर्स चाहता था कि साउथ ईस्टर्न रीजन में उसका डोमिनेंस बढ़े। सो उसने अपने अलाय इंडोनेशिया को कोरिया के साथ ही क्या हुआ, आपको पता ही होगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन यूएसएसआर और यूएस के कोल्ड वॉर की वजह से यूएस ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में वॉर्स करवा के साउथ कोरिया को एक अलग देश बना दिया, जिससे कोरियन पेनिनसुला में यूएस का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो गया। इनफैक्ट कोरिया के डिवीजन को भी दो अमेरिकन्स ने ही एग्जीक्यूट किया था, वो भी विदाउट एनी नॉलेज। उन्होंने कोरियन पेनिनसुला को सिर्फ ग्लोब के 38वें पैरेलल लाइन के हिसाब से हमेशा के लिए डिवाइड कर लिया। सो नाउ हैविंग अंडरस्टूड कि यूएस हैज, अब इंडिया भी हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू स्पुटनिक, बांग्लादेश की आवामी लीग के स्पोक्सपर्सन ने यह साफ साफ क्लेम किया है कि यूएस चाइना के साथ चल रही अपनी कोल्ड वॉर में अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया में हो रही कुकी चीन इंसर्जनल कर रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो म्यांमार और मणिपुर प्रोटेस्ट में आए दिन जॉर्ज सोरस के लिंक्स के रिपोर्ट सामने आते हैं। जॉर्ज सोरस बेसिकली एक अमेरिकन बिलियनियर ही तो है जो डायरेक्टली CIA से लिंक है, और यह बात कई रिपोर्ट्स ऑलरेडी प्रूव भी कर चुकी है। सो दिस इज डेफिनेटली अ बिग अलार्मिंग थ्रेट टू इंडिया। और क्योंकि अब हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो रही इंस्टेबिलिटी में भी काफी हद तक यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। सो नाउ यू टेल मी गाई एक बैनी के नवता दे गासिया। थ्रेट से लड़ने के लिए इमीडिएट इंडिया क्या एक्शन ले सकता है, व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी फाइट बैक, नीचे कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियंस को नीचे लिखना। आज के ग्लोबल डायनेमिक्स के हिसाब से यूएस काफी डिस्परियोनिया लिए, बिकॉज उसके खुद के पपेट कंट्रीज अब उसे छोड़कर उसे धोखा देके भाग रहे हैं, बिकॉज यूएस की असलियत सामने आ रही है। और अभी हाल ही में एकदम फ्रेश न्यूज है, सऊदी अरेबिया ने भी डॉलर को सीधा पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट कर दिया है। सऊदी अरेबिया जो कि यूएस का सबसे बड़ा एलाई हुआ करता था,
अब वो डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है। सो यूएस की ये सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है आज के तारीख में?